नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एमसीएक्स श्योर गेम के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा, और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से ऑटो ट्रेडिंग करने के बारे में। दोस्तों, बहुत से लोगों की डिमांड थी कि ट्रेडिंग व्यू पर भी हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं, ट्रेडिंग व्यू पर अच्छी स्ट्रेटजीज़ हैं, हम ट्रेडिंग व्यू की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके बारे में हमारे लिए एक डिटेल वीडियो बनाई है और उसके बारे में एक प्लेटफॉर्म भी बनाई है। तो हमने प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है, और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग ऑटो ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आपका ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से करना है सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पिछले वीडियोज़ में हमने जो दिखाया आपको, हमने दिखाया कि मेटा ट्रेडर 4 से किस तरीके से सिग्नल जनरेट होते हैं और मेटा ट्रेडर 4 के सिग्नल्स को हम किस तरीके से ऑटो ट्रेडिंग करवाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि मेटा ट्रेडर 4 के इंडिकेटर में कुछ जो है कोडिंग करते हैं, उस कोडिंग से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने सर्वर को और हमारा सर्वर ट्रेड कर देता है। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग करने का, ट्रेडिंग व्यू पे हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर ऑटो ट्रेडिंग करने के लिए हमें अलर्ट्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम अलर्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो उन अलर्ट्स की मदद से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट का एक पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो वो हमें अलर्ट के अंदर कुछ फीचर्स देता है। जैसे अभी मैं अगर क्रिएट अलर्ट पर क्लिक करूँ तो इसने हमें कुछ फीचर्स दिए हैं, जैसे कि वेबहुक URL। वेबहुक URL का मतलब एक ऐसा URL जिसको हिट करना है, अगर कोई भी चीज़ है, जो भी मैसेज है वो आता है, तो ये वाले URL को हिट करना है, ये वाले URL को बताना है कि ये मैसेज आ गया है। तो इस तरीके से हम इस इंडिकेटर पे, यानी कि इस स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। इसके अंदर जैसे मेटा ट्रेडर 4 के अंदर जो एडिटर होता है उसको कहते हैं मेटा एडिटर, ऐसे ही ट्रेडिंग व्यू का जो इंडिकेटर बनाने का एडिटर है उसको कहते हैं पाइन स्क्रिप्ट। तो पाइन स्क्रिप्ट हम बनाते हैं, पाइन एडिटर इसका एडिटर होता है, और पाइन स्क्रिप्ट हम क्रिएट करते हैं। जैसे उसको उसमें इंडिकेटर बोलते हैं, इसमें स्क्रिप्ट बोलते हैं, पाइन स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हम पाइन स्क्रिप्ट्स के यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी पाइन स्क्रिप्ट्स बनाई होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर स्ट्रेटजी के सेक्शन में जाओगे तो आपको बहुत सारी पाइन स्क्रिप्ट्स यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। ये सब बनी बनाई हैं, बिल्ट इन है ट्रेडिंग व्यू की। पब्लिक लाइब्रेरी पर जाओगे तो लोगों ने जो जो बनाई है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। किसी पे भी क्लिक करके आप जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये किसी CM की स्क्रिप्ट है, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे चार्ट पे लोड हो गई। लोड होने के बाद इसमें एरोज भी आप देख सक पाएंगे कि ये हमें दिखा रहा है, ये कुछ बाय के कंटिन्यूस एरोज हमें दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं, और उन स्ट्रेटजीज़ के थ्रू हम लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या होता है उसके लिए। सबसे पहले हमें चार्ट में एक इंडिकेटर या एक स्क्रिप्ट को अप्लाई करना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर जाके मैं कोई भी स्क्रिप्ट का नाम लिख देता हूँ। जैसे मुझे सुपर ट्रेंड चाहिए तो मैं यहाँ पर सुपर ट्रेंड लिख देता हूँ। जैसे हमारी कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, मैं अपनी स्क्रिप्ट को ये ऐड कर देता हूँ। ये एल्गोब्रिज की सुपर ट्रेंड की स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना होगा कि हमें इस पीरियड में देखना भी होगा कि सिग्नल आने के बाद कैसे ट्रेड करता है, या किस तरीके से ट्रेड आपकी आगे फॉरवर्ड होगी। तो उसके लिए हम इसके पैरामीटर्स को स्लो करेंगे, और उसके बाद लिंक जो है, यानी कि अलर्ट जो है, वो क्रिएट करेंगे। लेकिन अलर्ट क्रिएट करने से पहले हमें एक और काम करना होगा। एक चीज़ और मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ सबसे पहले, कि अभी हमने जो ये लॉन्च किया है वो सिर्फ Alice Blue के लिए किया है, Alice Blue ऑनलाइन ब्रोकर के लिए किया है। तो आप Alice Blue में अगर आपका अकाउंट है तो आप इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हैं, ट्रायल लेके देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक वेबसाइट पर जाएंगे जिसका नाम है algobridge.in। ये मैं दोस्तों एक बार इसको लॉग इन करके दिखाता हूँ आपको। ये algobridge.in की वेबसाइट है, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमारा लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा।
वहाँ पर हमें अपना, अगर हमारा अकाउंट नहीं है तो हम साइन अप पे जाएंगे और साइन अप पे जाके अपना अकाउंट खोलेंगे। यहाँ पर LIC Blue की ID डालना बहुत ज़रूरी है, कैपिटल लेटर्स में डालें, अपना नाम, ईमेल वगैरह सारे डिटेल डाल के रजिस्टर करें। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर एक लिंक आएगा, उस ईमेल के लिंक पे क्लिक करने से आपका अकाउंट हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा और आपको 6 दिन का डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ अपने अकाउंट को। मैंने यहाँ पर इसको लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद मैं आ जाता हूँ डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, जो डैशबोर्ड काम करता है सेम तरीके का काम करता है, लेकिन डैशबोर्ड पे हम MT4 के थ्रू सिग्नल्स ले सकते हैं, ना कि ट्रेडिंग व्यू के थ्रू। अब हमें अगर ट्रेडिंग व्यू पे जाना है तो हमें ट्रेडिंग व्यू ब्रिज पे जाना होगा। लेकिन इससे पहले एक और बहुत ज़रूरी बात आपको बता दूँ कि जब आप अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे उसके बाद आपको सबसे पहले आना है ऑथराइजेशन पे। ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये काम आपको डेली करना होगा। मार्केट शुरू होने से पहले आपको अपने आप को ऑथोराइज़ करना होगा कि आज के दिन के लिए आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपने नहीं किया तो उस दिन आपकी ट्रेड्स नहीं होंगी और आपको ट्रेडिंग के पैनल में हिस्ट्री में एरर दिखाई देंगे, क्योंकि आपने अपने आप को ऑथोराइज नहीं किया है। ब्रोकर मना कर देगा सिग्नल लेने के लिए। तो ऑथोराइजेशन में क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यूनिक आईडी जनरेट करनी है। ये डेली करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर एक यूनिक आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, जैसे मैंने अपनी की हुई है 7ticks की। करने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है तो यहाँ पर यूनिक आईडी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद एक्सेस टोकन का जो यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये आपको खाली दिखाई देगा, ये मेरा एक्सेस टोकन है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जब मैं पहली बार यहाँ पर आऊँगा गेट एक्सेस टोकन पे मुझे क्लिक करना होगा। जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे LIC Blue की वेबसाइट पे इस तरीके से ले जाएगा। यहाँ पर मैं आईडी डालूँगा, पासवर्ड डालूँगा और अपने 2FA के आंसर्स डालूँगा। आंसर वगैरह सब सक्सेसफुल होने के बाद ये वापस इस पेज पे हमें रीडायरेक्ट करके ले आएगा। जब ये हमें इस पेज पे रीडायरेक्ट करके लेके आएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद दोस्तों हमें गेट एक्सेस टोकन के बाद वैलिडेट करना है अपने आप को। वैलिडेट दोस्तों कैसे करेंगे, वैलिडेट के लिए हम वैलिडेट का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमें बता देगा कि आपका एक्सेस टोकन वैलिड है। ये काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है यहाँ पर, बाकी के काम भी इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो ट्रेड नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान देनी होगी, ये हमें डेली करना होगा मार्केट खुलने से पहले। अगर आप मोबाइल यूज़र्स हैं तो भी आप मोबाइल पर जाके algobridge.in डाल के अपने आप को लॉगिन करके ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, बाकी के काम आपके ऑटोमेटिक होते रहेंगे। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करते हैं सेटिंग किस तरीके से करनी है। ट्रेडिंग व्यू ब्रिज पे हमें जाना है, यहाँ पर हमें एक सिंबल क्रिएट करना है जिसमें हमें ट्रेड करना है। मान लीजिए हमें क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है तो हम लिखेंगे क्रूड ऑयल जून फ्यूचर। क्रूड ऑयल जून फ्यूचर आ गया। MCX एक्सचेंज है इसकी, इंस्ट्रूमेंट ये है, ऑर्डर टाइप रेगुलर, ट्रेड टाइप मार्केट में रहेगी। MIS करना है तो MIS करिए, नॉर्मल करना है तो नॉर्मल करिए। मान लीजिए मैं MIS करता हूँ। MIS करने के बाद यहाँ पर लॉट क्वांटिटी डालेंगे 1, उसके बाद इसको सेव करेंगे। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 बाय पैरामीटर और सेल पैरामीटर्स के 2 यहाँ पर छोटे छोटे आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये आइकन बहुत इंपॉर्टेंट आइकन है, क्योंकि इन्हीं आइकन्स की मदद से, इसमें लिखे हुए कोड की मदद से ही हमारा ट्रेड आगे जाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे और यहाँ पर हम जाते हैं ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर और ये हमारा क्रूड ऑयल का चार्ट हमने खोला हुआ है। अब इसमें हम सिग्नल्स क्रिएट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले मैं इसको एडिट करके इसको स्लो कर देता हूँ, इसको फास्ट कर देता हूँ, ताकि ये जल्दी जल्दी से सिग्नल्स जनरेट करना शुरू कर दे। आप देख सकेंगे यहाँ पर बहुत सारे सिग्नल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ बाय के कुछ सेल के सिग्नल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैंने इसको बहुत फास्ट कर दिया, इसकी वजह से ये बहुत जल्दी जल्दी सिग्नल्स जो है जनरेट कर रहा है। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, फाइनल स्टेप है कि हमें क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करना होगा। क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर algobridge सुपर ट्रेंड को सिलेक्ट करना होगा। वंस पर बार क्लोज, एक बार क्लोज होने के बाद एक ही सिग्नल आए, इस वाले पे हमें क्लिक करना है और उसके बाद हमें बाय का हमने जो अलर्ट है वो हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, बाय के यहाँ पर आके क्लिक करेंगे, पैरामीटर कॉपी हो गए, यहाँ पर जाके उसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद क्रिएट कर देंगे। अब एक अलर्ट हमारा क्रिएट हो गया जिसमें कि बाय के सिग्नल आने पे ये बाय करना शुरू कर देगा।
अब हमें दूसरा सिग्नल जनरेट करना है जो कि सेल का। अभी देखिए आप सेल का सिग्नल आ रहा है, तो जल्दी से हम एक और लिंक क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा एल्बो ब्रिज पे, उसके बाद वंस बार क्लोज पे, उसके बाद यहाँ पर आके हमें सेल के जो पैरामीटर्स हैं उनको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। अब ये मैंने यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया है और मैं क्रिएट लिंक को शुरू कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर अब जब एल्गो ब्रिज पे जाएंगे तो हमें स्ट्रेटजी को स्टार्ट कर देना। अब हमने स्ट्रेटजीज़ को स्टार्ट भी कर दिया, तो जैसे ही कोई अलर्ट आएगा एक साउंड बेल बजेगी यहाँ पर, तो बेल बजेगी तो हम जाकर देखेंगे हमारा ऑर्डर किस तरीके से प्लेस हो गया है। तो दोस्तों ये बज गई इसमें बाय की घंटी, और घंटी बजने के बाद इसमें हो गया ट्रेड। अब हम जाके देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ट्रेड परफॉर्म हुआ। यहाँ पर हिस्ट्री में जाएंगे हम, तो हिस्ट्री में जाने के बाद हमें पता लगेगा कि किस तरीके से सिग्नल जनरेट हुआ था। ये देखिए 3:14 पे जो सिग्नल जनरेट हुआ है वो सिग्नल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और इसको अगर हमें अपने अलायंस ब्लू के अकाउंट में देखना है तो हम वहाँ भी देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक और चीज़ हमने की हुई है, क्योंकि ये एरो टू एरो काम कर रहा है। अभी इसमें कोई स्टॉप लॉस टारगेट का हमने फंक्शन नहीं रखा हुआ सुपर ट्रेंड में, तो ये एरो टू एरो काम कर रहा है। एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि पहला सिग्नल आने के बाद जो दूसरा सिग्नल आता है इसमें, वो हर एक लॉट दो लॉट क्वान्टिटी में ट्रेड होता है। अगर सिंगल एक लगाया तो दो में होगा। क्यों होगा दो में? क्योंकि एक पहला वाला को स्क्वायर ऑफ करेगा और एक नया सिग्नल जनरेट करेगा, इसलिए दो लॉट में ट्रेड करेगा। अब जैसे यहाँ पर अभी सेल का अगर सिग्नल बनेगा तो ये दो लॉट में ट्रेड करेगा। यहाँ पर आप देखिए क्वांटिटी वन है, अगर अगला कोई सिग्नल आता है तो उसमें क्वांटिटी जो होगी वो वन नहीं वो टू होगी, क्योंकि वो पहले वाले को स्क्वायर ऑफ करेगा और नया सिग्नल भी जनरेट कर देगा। इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है। कोई भी इंडिकेटर हो, किसी भी इंडिकेटर के ऊपर एक बाय का अलर्ट लगाना है और एक सेल का अलर्ट लगाना है, और उसको सेट करने के बाद आपको API जो पेस्ट करनी है वो हमने जो पैरामीटर्स दिए हैं वो पैरामीटर्स आपको पेस्ट कर देने हैं। पेस्ट करने के बाद जैसे ही कोई नया अलर्ट आएगा आपका तुरंत ट्रेड यहाँ पर हो जाएगा। एल्गो ब्रिज में आपको ये फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं कि आप अपने अलर्ट्स को जनरेट करके उसके थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छे से अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, या जो भी आपको कोई स्ट्रेटजी पसंद आती है, आपको लगता है कि वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है और वो अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू पे, तो आप उसके अलर्ट्स को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। साथ ही साथ एल्गो ब्रिज में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब आप एल्गो ब्रिज में जाते हैं और एल्गो ब्रिज में आप देखते हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू के थ्रू ब्रिजिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके पास, आपको नहीं पता कि स्टार्टिंग किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से सिग्नल काम करेंगे, तो आप यहाँ पर हमारी प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। 6 स्ट्रेटजी हमने यहाँ पे प्री डिफाइन दी हैं, इनमें जो जो पैरामीटर्स, जो जो सेटिंग्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जा सकते हैं कस्टमाइज़ पे, यहाँ पर जाके स्ट्रेटजी कोई भी सिलेक्ट करके उसका एक ऐड सिंबल करके कोई भी सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। सिंबल क्रिएट करने से आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा और ट्रेड हिस्ट्री में आप देख पाएंगे क्या क्या ट्रेड्स आपके हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे मेरे कुछ ट्रेड्स यहाँ पर दिखा रहा है पुराने। तो इस तरीके से सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू से करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग व्यू में किस तरीके से होगा उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। बाय का सिग्नल ही चल रहा है, अभी सेल का सिग्नल आया नहीं तो नेक्स्ट अलर्ट का पता नहीं चल पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम आपको कुछ और नई चीज़ें दिखाएंगे, कुछ और नए ट्रेडिंग टूल्स दिखाएंगे। और हाँ दोस्तों, आने वाले वीडियोस में अब हम आपको स्कैनर्स दिखाएंगे। हमने MT4 पे काफ़ी सारे नए नए स्कैनर्स बनाए हैं, हम आपको शो करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपका ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट है तो आप जाइए ट्रेडिंग व्यू में और हमारे एल्गो ब्रिज के इस डेमोस्ट्रेशन को, ट्रेडिंग व्यू का जो डेमोस्ट्रेशन है इसको लीजिए। 6 दिन का फ्री डेमोस्ट्रेशन है, अपनी ट्रेड्स करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एल्गो ब्रिज को। एल्गो ब्रिज का ट्रेडिंग व्यू का जो सब्सक्रिप्शन है ब्रिज का, वो सिर्फ 999 में आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है ट्रेडिंग व्यू पे आपको पेमेंट करनी होगी। ट्रेडिंग व्यू की पेमेंट आप कर सकते हैं और एल्गो ब्रिज की पेमेंट आप एल्गो ब्रिज से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।